हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश के फोड़े का लाइव ऑपरेशन। किस तरीके से आपके खरगोश के यदि फुड़िया और फुंसी हो जाती है उसका आप ऑपरेशन करेंगे। कहीं पर भी ज्यादातर खरगोश के फुड़िया यहाँ पर होती है या कहीं पीठ पर या फिर पीछे या फिर थनों के पास। ये एक न्यूजीलैंड वाइट फीमेल है, बच्चे देने में बिल्कुल सामी नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कम से कम ये मादा खरगोशी हमारी साल में 6 से 7 बार बहुत आसानी के साथ बच्चे दे देती है। बहुत अच्छी खरगोशी है। इस बार इसके थनों के पास एक गांठ पड़ गई है और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि लाइव आज करके ऑपरेशन करके कि कैसे मादा खरगोशी के यदि कहीं पर भी यह खरगोश के फोड़ा पड़ जाता है तो उसको आपको किन बातों का ध्यान रखना है, हम करते जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे। सबसे पहले यदि खरगोश के कहीं पर भी फुड़िया या फोड़ा हो गया है, जैसे कि इस खरगोशी के देखे, ये देखे यहाँ पर फोड़ा हो गया है, और इस फोड़े को तब तक नहीं छूना है जब तक कि ये फोड़ा बिल्कुल पक न जाए। कच्चे फुड़िया का बिल्कुल भी ऑपरेशन आप लोगों को नहीं करना है। तो सबसे पहले फुड़िया एकदम पक्की होनी चाहिए और ये देखिए ब्लेड एकदम नया होना चाहिए, एकदम नया ब्लेड होना चाहिए आपके पास। थोड़ी सी कॉटन होनी चाहिए और जो दवा इस पे लगानी है सोफ्रामाइसिन या प्रोविडेंट ऑइंटमेंट वो होना चाहिए और आपको एक एंटीबायोटिक रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस जो ये हम लाए हैं ब्लेड नया, इस ब्लेड को पूरी तरीके से निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसकी सील तोड़ लेते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। और अब हमको करना क्या है, अपनी मादा खरगोशी को धीमे से लिटाना है और ध्यान रखें फुड़िया यदि कहीं बन गई है कम से कम 10 से 12 दिन आप अपने मादा खरगोश को ऐसे उसको केज में रखे रहने दीजिए। उसको किसी भी नर खरगोश से मैटिंग मत करवाइए, नर खरगोश है तो मादा से मैटिंग मत करवाइए, अलग रख दीजिए 10 से 12 दिन तक। जब खरगोश अपने आप अलग रहेगा तो वो फुड़िया एकदम पक जाएगी, बिल्कुल पक जाएगी, तब उसमें से बहुत गाढ़ा लिक्विड की तरह के से पस निकलेगा। उसको आपको निकाल के पूरी तरीके से साफ करना है। अब हम इस खरगोश का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस मादा खरगोश को ऐसे यहाँ पर लिटा दिया है, देखिए इस मादा खरगोश को ऐसे हमने लिटा दिया। अब हमने एक जो वो नया ब्लेड है, एकदम नया ब्लेड लेना है, पुराने ब्लेड को नहीं लेना है। देखिए इस तरीके से हमने पकड़ा, आप लोग देखिए ध्यान से, और यहाँ पर अब हम एक चीरा लगाएंगे। देखिए एक चीरा लग चुका है और ब्लेड का काम लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। देखेंगे बहुत गाढ़ा गाढ़ा पस इसमें से निकल रहा है। देखिए आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा पस यहाँ पर निकल रहा है इस मादा खरगोश के इससे, देखिए फुड़िया से धीरे धीरे पूरा पस हमने दाब दाब के निकाल दिया है। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ हमने अपने खरगोश का ऑपरेशन कर रहे हैं और जो भी ये गंदगी और पस निकला है उसको हम यहाँ पर निकाल के ऐसे रख देते हैं। अब फिर से देखिए पूरा पस दाब के ऐसे निकालेंगे। देखिए बस बस बेबी बस बस, आप लोगों को कैमरा यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से एकदम गाढ़ा गाढ़ा पस निकलेगा। खरगोश थोड़ा परेशान करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा क्योंकि ये फुड़िया पक चुकी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यदि फुड़िया कच्ची होती तो अभी खरगोश बहुत ज़्यादा हमारा परेशान हो जाता। अब देखिए ये इसके अंदर से जो फिर से पस निकल आया है, थोड़ा करीब से हम चाहेंगे कि आप लोगों को दिखा दें। देखिए किस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा पस आपके खरगोश के हमारे निकला है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, फिर से थोड़ी कॉटन लेनी है और इस कॉटन से इसकी अच्छे से सफाई कर देनी है। हमने देखिए कॉटन से अच्छे तरीके से इस खरगोश के घाव की सफाई कर दी है। अब देखेंगे फिर से दबा के बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब लोग आप लोग देखिए, हम आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे इस घाव को। देखिए इस घाव की हमने अच्छी तरीके से सफाई कर दी है। देखिए इस घाव के अंदर अब लगभग लगभग कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए आप लोग बिल्कुल हमने इस घाव को एकदम साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है।
बिल्कुल। देखिए, अब हमने खरगोश के घाव को एकदम क्लीन बना दिया। अब खरगोश को थोड़ा दर्द होगा क्योंकि अभी अभी इसका ऑपरेशन हुआ है। इस कंडीशन में देखिए, कोई भी यदि आपके खरगोश की जो पुड़िया है एकदम पक के उसका लाइव आप लोग पका के ऑपरेशन करते हैं तो थोड़ा दर्द होगा, खरगोश को बहुत ज़्यादा कोई दर्द नहीं होगा। ऐसे में कोई भी पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका खरगोश खाना खाना छोड़ेगा। तो अब हमको इसके अंदर ट्यूब भरनी है, तो सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम हम लोग आज देखे लगा रहे हैं। देखिए, आप लोग प्रोविडेंट ऑइंटमेंट, सोफ्रामाइसिन या फिर कोई ऐसी ट्यूब जो फिर खरगोश के खुले हुए घाव में लगाई जाती है वो आप लगा सकते हैं। प्रोविडेंट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आज प्रोविडेंट नहीं है इसलिए सोफ्रामाइसिन का भी अच्छा इस्तेमाल है, मतलब अच्छे रिजल्ट है, इसलिए हम सोफ्रामाइसिन का यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग सोफ्रामाइसिन इसके अंदर कैसे भरेंगे, देखिए उसकी एक टेक्निक है। आप लोग एक खाली डिस्पोजल सिलिंज लेंगे, जैसे कि ये 3 ml का एक डिस्पोजल सिलिंज है खाली। अब इसको क्या करेंगे, इस सोफ्रामाइसिन के सर पे लगा देंगे। देखिए, इसे हमने कनेक्ट कर दिया, इससे अब थोड़ा सा ट्यूब पीछे से दाबेंगे और इसको पुश करके ऐसे देखिए खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे और लगभग पर्याप्त हमारी जो दवा है इसके अंदर आ गई। इस सिलिंज के अंदर हमने सोफ्रामाइसिन ट्यूब को भर लिया है। आपको हमने बिल्कुल नई और बिल्कुल अहम टेक्निक दिखा दी, किस तरीके से आप दवा को सिलिंज में इस तरीके से भर लेंगे ताकि खरगोश के जो घाव है उसमें भरने में आसानी है। देखिए, अब हम मादा खरगोश के जो घाव है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, देखिए अब हम लोग इस घाव में बहुत ही आसानी के साथ इसकी मदद से जो भी जितना भी हमारे पास जो दवा है, करीबन हमने 1.5 से 2 ml दवा भर ली है। कोई ये ज़रूरी डोज नहीं है कि जितनी भी दवा आसानी से खरगोश के घाव पर निर्भर करती है, कितनी कितना बड़ा घाव है उसमें आसानी से भर जाए, अंदर तक लग जाए, कहीं पर भी कोई कोना छूटे नहीं। बिल्कुल, अब ये जो दवा है थोड़ा आसपास भी लगा देंगे, जैसे कि हम देखिए बिल्कुल लगा रहे हैं अपने खरगोश के। अब यदि मादा खरगोश ऐसे पस्त होके लेटी हुई है तो उसको ऐसे लेटा रहेंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी के साथ हमने मादा खरगोश का ऑपरेशन कर दिया है। देखिए, अब इसने अपने हाथ, देखिए आप लोग देख लीजिए कि इसके फुड़िए का हमने लाइव ऑपरेशन कर दिया है। अब हम आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन और देते हैं। अब देखिए, अब इस मादा खरगोश का ऑपरेशन हो गया, जैसे कि आप लोगों के सामने इसके घाव को दिखाया जा रहा है, आप जहाँ देखिए। तो अब हमको करना क्या है, अब ऐसी स्थिति में जब मादा खरगोश का ऑपरेशन हो चुका है, इसका काम हो चुका है, अब आप हो सके, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यदि एंटीबायोटिक्स नहीं है तो भी आप अब अत्यधिक परेशान ना हो, घबराएं नहीं कि हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं है तो हमारा खरगोश अब सही नहीं होगा, वो बिल्कुल सही होगा। आप यही जो सोफ्रामाइसिन या प्रोविडेंट ऑइंटमेंट है आपके खरगोश के, 2 दिन आज हमने ऑपरेशन किया है इसी घाव पर, ये लगभग 30% घाव कल सुबह तक भर जाएगा और इसको पूर्णता सही होने में करीबन 10 दिन का टाइम लगेगा। आप यही ट्यूब धीरे धीरे लगाते रहिए, आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं और बार बार मैसेज मत करें कि सर अभी नहीं ठीक हुआ, अभी नहीं हुआ, भैया इसी से ठीक होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, घाव है तो थोड़ा वक्त भी लगेगा। और अब इसका दर्द आज के बाद खत्म हो जाएगा, जिससे मादा खरगोश अच्छी तरीके से फीडिंग करने लगेगी, जब तक घाव सही होगा होगा तब तक ये मैटिंग करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास एंटीबायोटिक्स है तो आप, यदि नहीं है लाना चाहते हैं आप, तो जेंटामाइसिन का इंजेक्शन ला सकते हैं, इंडोफ्लॉक्सासिन 10% का इंजेक्शन ला सकते हैं, वो अपने खरगोश के 1 ml करके 3 से 4 दिन लगा दीजिए। लेकिन हम इंजेक्शन ना लगा के हमारे पास देखिए इंडोफ्लॉक्सासिन 10% ओरल सोल्यूशन है, इसलिए हम इस ओरल सोल्यूशन की लगभग 1 ml मात्रा एक बड़े खरगोश को, ये जो इंजेक्शन हमारा दवा भरा था वो खराब हो गया है, अब उसका दोबारा इस्तेमाल दवा पिलाने के लिए नहीं करना है। और हमने देखिए इंडोफ्लॉक्सासिन 1 ml लोड कर लिया है, अब इस मादा खरगोशी को बहुत ही आराम के साथ हम वो ये जो दवा है देखिए ऐसे पिला देंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा खरगोश दवा पी रहा है। और ये ध्यान रखें, दवा पिलाते समय ये जो इसका ड्रॉपर है ये
जो पुसर है, धीरे धीरे उसको पुश करें ताकि अधिक दवा तेजी से मुंह में चली जाएगी तो खरगोश के यहाँ यहाँ से निकल जाएगी। तो इसलिए अब खरगोश को एंटीबायोटिक्स हम क्यों देते हैं, यदि हमारा खरगोश है इसका अभी ऑपरेशन हुआ है, यदि ये अपने केज में लेटेगा बैठेगा, खुला हुआ घाव है, मच्छी बैठ जाएगी या फिर और कोई कीट बैठ गया, तो हो सकता है और अधिक खरगोश के संक्रमण हो जाए, फिर इन्फेक्शन ब्लड में चला जाए और खरगोश की डेथ हो जाए, या खरगोश केज पे लेटा हुआ है, तमाम तरीके की गंदगी केज में लगी है, नहीं भी लगी है तो भी खरगोश लेटरिन बाथरूम करता है तब भी गंदगी लग सकती है। तो इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स से बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जल्दी से डेवलप हो जाती है, जिससे शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का संक्रमण है, बीमारी है, वो जल्दी के साथ खत्म हो जाता है और खरगोश अच्छी तरीके से फीडिंग करने लगता है। यदि आपके पास एंटीबायोटिक्स नहीं है फिर भी आप तब फोड़े का ऑपरेशन करेंगे जब बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पस उसके अंदर से निकलेगा, नए ब्लेड का इस्तेमाल करिए और आप लोग प्रोविडेंट या फिर सोफ्रामाइसिन क्रीम भर दीजिए, जिस तरीके से हमने इस इंजेक्शन में भर के आपको बताया है, और इस तरीके से आपका खरगोश अगले 10 से 12 दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। अब हम लोग जब पूरे खरगोश का सब कुछ ऑपरेशन कर चुके हैं तो थोड़ा हैंड सैनिटाइजर डाल के हाथ को वॉश कर लेते हैं। देखिए अब हमने थोड़ा हैंड सैनिटाइजर ले लिया जिससे कि अपने दोनों हाथों को साफ कर लिया, जो भी उसके वजह से फंगस और इन्फेक्शन हमारे हाथ पर लगा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आज का टॉपिक था खरगोश के यदि खुड़िया या फुंसी कहीं पर हो जाए तो उसका लाइव ऑपरेशन कैसे करते हैं, उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा हो गई। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, यदि उस पर वीडियो बनाने लायक है, हमने आज तक नहीं बनाया है, तो हम जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू।